मुझे लगता है इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर भी था वो भी है और अंदर भी करेंगे अभी इसको। अच्छा अच्छा, पहले इधर का साफ करते हैं। हाँ कितना निकला उसके अंदर कैसे, वो मतलब कम प्रेशर के वजह से ना। हाँ क्योंकि वो पहले वाला ट्यूब में ऐसा नहीं था, इसमें ही कचरा ज्यादा आपका अटका हुआ है इसके वजह से। हाँ इसमें वो स्मूथ नहीं है क्या अंदर? नहीं है, स्मूथ है लेकिन कम जाता है। और दूसरे में अटक नहीं जाता था ना उसमें, क्या इसी में अटक रहा था पानी इसके लिए? नहीं वो दूसरा वाला पाइप में नहीं अटकता था ना इतना, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं अटकता था कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये ना इसके अंदर स्मूथ नहीं है ना इसलिए। स्मूथ है क्या उसके अंदर? नहीं ना, मतलब ऐसे बाहर जैसे वो है वैसे अंदर है, उस तरह अंदर भी है। ओह गॉड, तो नेचुरली वो अटकेगा। तो आप ये रेकमेंड क्यों किया? आपको बोलना चाहिए था कि वो दूसरा ही अच्छा है, आपने बोला ये लो ये अच्छा है। ये मैंने बोला था। हाँ आपने बोला ये ज्यादा महंगा है और ये ज्यादा अच्छा है। हाँ नहीं मजबूती के लिए अच्छा है। नहीं नहीं वो दूसरा वाला अच्छा है ना, जो स्मूथ है वही अच्छा होगा ना। ये कचरा है अंदर ऐसा कभी, देखो हम दांत में भी जब करते हैं ना, दांत बनाते, थोड़ा भी स्मूथ नहीं है तो अटकेगा और मसूड़े सब खराब हो जाता है। तभी क्या करो, चेंज कर दूं? सब ऐसे ही है लेकिन बहुत पैसा लगेगा वो चेंज करने में। आप एक बार बोल रहे हैं ये लगाओ, फिर बोल रहे हैं वो लगाओ, ऐसा हम चेंज नहीं कर सकते। कोई दिक्कत नहीं है आपको, चलेगा। लेकिन देखो कितना कचरा उसमें अटका हुआ था, कभी वो दूसरा 5 साल था ना, कभी नहीं हुआ प्रॉब्लम। दूसरा हमने फेंक दिया ना, लेकिन कि हमने रखा, मैंने नहीं लगाया सर इसको। आपने नहीं लगाया? हाँ शायद दूसरा प्लम्बर, हाँ इसलिए ये प्रॉब्लम हो गया। नहीं तो आप बोलते दूसरा ही अच्छा है ना। सॉरी हाँ, वो दूसरा जो आया था ना, गणेश नहीं, वो दूसरा जो कल आया ना, नहीं नहीं जो कल आया ना, वही आया, वही आया था, मैंने उसको भगा दिया। अच्छा किया ना, मैंने बोला विनोद के लिए मैं डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफर कर सकती हूँ, और रीजन मैंने एक दिया, दूसरा मैंने दिया कि मेरे नहीं जमेगा। हाँ क्या वो बोल रहा था मुझे, क्या बोल रहा था, क्या बैंक का बोल रही थी, इसके लिए मेरे को नहीं जमा। नहीं नहीं मैंने बोला विनोद को आप, मैंने उसको भगा दिया, और मैंने क्यों भगाया वो भी मैंने नहीं बोला कि मैं आपको ट्रांसफर करूंगी बैंक से, मैंने नहीं बोला कि तुम बैंक अकाउंट खोलो, कुछ नहीं बोला। मैंने बस बोला विनोद के लिए मैं ऐसा करती हूँ, वो मेरे लिए अच्छा है, और दूसरा विनोद कम पैसा लेगा। और मैंने उसको पूछा कि आप कितना लेंगे, ओ जितना होगा उतना होगा ऐसा बोलने लगा ना, तो मैंने उसको बाय बाय बोला और वो भी गया। अभी विनोद ज़्यादा मत लो, अरे जो देना आप दे देना मैडम बस। हाँ जो डालना होगा जो देना होगा। ये दूसरा पाइप का कितना होता है? वो 30 रुपीज का है। 30 रुपीज का ना? हाँ। वही अच्छा है विनोद, चलेगा मैडम ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं मैं बोल रही हूँ ना ऐसा नहीं, नहीं विनोद ये कभी नहीं हुआ, ये कभी नहीं हुआ 5 साल में, 100% गॉड प्रॉमिस मैं बोल रही हूँ आपको। ठीक है तो वही ला के डाल देता हूँ। हाँ 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 वही आप डाल दो, बन जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल नॉनसेंस है, ये पहले तो ये कर्व्ड है और अंदर देखो ये स्मूथ होना चाहिए ना ये, और यहाँ पे देखो प्रेशर कितना कम है, देखो पानी कैसे आता है, देखो ये स्टक होने के लिए, कचरा अटकने के लिए ये जैसे हम लोग यू नो कोशिश कर रहे हैं कचरा अटकाने के लिए ना, हम लोग ने स्पेशल बनाया उसका, जहाँ पे बहुत प्रेशर है उसके लिए अच्छा है यू नो। मर्ज में पानी दिए जोर से डालेंगे तो मार ये। हाँ और एक बात, ये प्रेशर अच्छा ना कम हो गया, ये भी पता नहीं मुझे कैसे। मोटर यूज नहीं कर रहे क्या आप? नहीं नहीं यहाँ पे देखो प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर है, इतना प्रेशर चलेगा, और टॉयलेट में भी प्रेशर है, लेकिन वॉश बेसिन थोड़ा है, इधर खोलते तो मोटर में यूज नहीं करती, क्यों मोटर यूज करूँ, वो बस वॉश बेसिन के लिए, कभी मोटर यूज नहीं करती। पानी आ रहा है ना देखो, अंदर से अटका हुआ है, अंदर से अटका हुआ है ना, नहीं गया अंदर से गया, नहीं बाहर आया ना पानी, वो ज्यादा डालने के बाद ही ऐसा आता है, वो एयर लेके ऐसा नहीं आता है, लेकिन ज्यादा डालेंगे ना तो भरने के बाद क्या निकलने लगता है ना ज्यादा, अभी जाएगा आराम से पानी, कितना भी यूज करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा अभी क्यों आया था, क्योंकि हाँ ज्यादा अचानक पाइप में पानी जाएगा तो हड़बड़ाएगा ना, इसके वजह ऐसा कभी नहीं हुआ रिस्पॉन्ड विनोद, ऐसा डालेंगे तो पानी कभी नहीं निकलेगा, आराम से जाएगा पानी। देखो लेकिन ना विनोद वो 30 रुपीज का प्लीज आप डालो, डाल दो। हाँ हाँ जल्दी से अभी हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो ना हर बार मुझे आपको कुछ महीनों के बाद आपको बुलाना पड़ेगा यू नो,
और मेरा पैसा पूरा उसमें जाएगा, मेरा पैसा पूरा ये डॉग्स का खाने के लिए जा रहा है, पूरा पूरा 3600 आ रहा है। और वो अंदर जो पपी है ना उसका कमर टूट गया ना, उसका कमर टूट गया तो मैं उसको बाहर ही छोड़ती हूँ वो सर्कल के पास, लेकिन वो जब 30 घंटा बाहर है ना और कुछ नहीं खाता है ना तो मैं उसको अंदर लेके आती हूँ बस थोड़ा खाना देने के लिए। उसके बाद अभी मैं लेके जा रही हूँ उसको बाहर, उसको बाहर जाना है क्योंकि उसका फैमिली है ना वहाँ पे। उसका कमर टूट गया क्योंकि कोई आके उसका कोई स्कूटर या मोटरसाइकिल, हाँ मैं उसको डॉक्टर के पास लेके 500 रुपया मैंने दिया मालूम है, उसको सलाइन सब दिया क्योंकि वो पानी में भीग के वेट हो गया था, मतलब वो क्या रेन वाटर है ना बारिश का पानी। मेरा पूरा पैसा इसमें जा रहा है यू नो, इसलिए ये पाइप चेंज करना ही अच्छा है। चलेगा लेके आता हूँ। हाँ हाँ थैंक्स। आप टोटल कितना लेंगे जो देना? नहीं 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 आप बताओ अभी। पाइप का है, बाकी जो देना वो दे देना आपको। टोटल 150 चलेगा? हाँ चलेगा। थैंक यू विनोद, मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ थैंक यू मैं सरोवर से ले लूँ कि इधर से ले लूँ? एक पाइप ही तो है। सरोवर से ले लो, लंबा है थोड़ा लेकिन सरोवर का क्वालिटी अच्छा है। यहाँ पे पता नहीं ये लोग क्या बेचते हैं, नहीं तो मुझे वो हमेशा, और एक बिल भी लेके आना क्योंकि नहीं तो हमेशा मुझे हमेशा शक होगा कि अरे इसका बैड क्वालिटी हो गया इसलिए। हाँ, ओके बिल दे दो। अच्छा होगा ना फिर भी मुझे लगेगा नहीं नहीं अच्छा। मॉन्टी, आई वाज टेलिंग विनोद दैट मॉन्टी इज ईटिंग ऑल द चिकन। ये पपी आई विल टेक यू 1 मिनट।